लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कहां से कौन उम्मीदवार बनाया गया है, रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एमपी में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया है, भिंड से फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है, देवास से राजेंद्र मालवी चुनाव लड़ेंगे, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार चुनाव लड़ेंगे, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम को उम्मीदवार बनाया गया है, धार से राधेश्याम मुबेल, खरगोन से पोरलाल खरते को उम्मीदवार बनाया गया है, बैतूल से रामू टेकाम, सीधी से कमलेश्वर पटेल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की इस लिस्ट में 10 में से 8 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जबकि 2 सीट बैतूल और छिंदवाड़ा में उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। कांग्रेस ने मंडला से ओंकार सिंह मरकाम, भिंड से फूल सिंह बरैया और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। तीनों मौजूदा विधायक हैं। करी है तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7% 76.7% SC ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम है। तो ये इस लिस्ट की विशेषता है। वहीं एमपी समेत कांग्रेस ने 6 राज्यों के लिए 43 उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। टीम न्यूज़ स्टेट।